वेलकम टू अभी पीडिया गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर धर्मेंद्र एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमने बहुत सारे एमसीक्यू सीरीज के अंदर इसमें बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी कवर कर दिया है। नाउ दिस चैप्टर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसका जो अगर मैं देखूँ तो हमने क्या कवर करना है, बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। लास्ट सीरीज के अंदर, लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर मैंने INC करवाया था आपको। नाउ दिस इज वी कैन सी अगेन कॉन्टिन्यूटी ऑफ दैट। तो यहाँ पे हमने क्या, मैं कौन सी चीज डिस्कस करूंगा, मॉडरेट्स एंड देन एक्सट्रीमिस्ट आए, उसके बाद कैसा उनका आपस में रहा, देन सूरत स्प्लिट। नो दीज थ्री इश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे UPSC क्वेश्चन पूछती है। दिस इज अ पार्ट वन, तो पार्ट वन के अंदर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा एंड देन आई विल ऑल्सो डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चन इन पार्ट टू। तो कोशिश की है कि एटलीस्ट जो रेलिवेंट क्वेश्चन है फ्रॉम यूपीएससी परस्पेक्टिव वो मैं डिस्कस करूँ। नो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू मॉडरेट्स। तो मॉडरेट्स के कंटेक्स्ट के अंदर बताओ। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द डिमांडेड, दे डिमांडेड मोर पावर फॉर लोकल बॉडीज। तो उनकी डिमांड क्या थी मॉडरेट्स की। नो व्हाट यू नीड टू नो कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के अंदर क्या डिफरेंस था। तो इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इज दे रेस्ड वॉइस टू इंक्रीज इन स्पेंडिंग ऑन आर्मी टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट। थर्ड स्टेटमेंट इज दे बिलीव्ड दैट पॉलिटिकल कनेक्शंस विद ब्रिटेन वर इन इंडियाज इंटरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। फर्स्ट इज 1 and 2 ओनली, सेकेंड इज 2 and 3 ओनली, थर्ड इज 1 and 3 ओनली एंड लास्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्विकली सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, अब डिस्कस करते हैं। देखो मॉडरेट क्या थे, जब INC फॉर्म हुआ तो बहुत सारे जो जमींदार और अमीर अमीर लोग थे उन्होंने एक मॉडरेट, उन्होंने अपनी बातें, इंडिया की बातें रखनी स्टार्ट की ब्रिटिश इंडिया के अंदर। तो ब्रिटिशर्स के अंदर रखनी स्टार्ट की कि हमारी ये डिमांड है वो डिमांड। अब आप ये सोचो कि जो पहले ही अमीर है वो बंदा क्या मासेस को इन्वॉल्वमेंट करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पे उसकी डिमांडेड क्या है, सिर्फ डिमांड्स कॉन्स्टिट्यूशनली वो डिमांड करते हैं, जाके प्रेयर पटिशन कर दी, कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लिया। तो इसलिए उनको मॉडरेट बोला गया कि इतने वो गर्म खून वाले नहीं थे, तो बस ठीक है बात रख दी। तो उनको बोलते थे ब्रिटिश को ये बात हमारी ये डिमांड पूरी करो, बोलते हो कि नहीं करेंगे तो क्या, तो ये कहते तो क्या, तो दोबारा आएंगे, यही तो काम है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट दे डिमांडेड मोर पावर फॉर लोकल बॉडीज, ये करेक्ट है। सेकेंड इज दे रेज्ड वॉइस टू इंक्रीज इन स्पेंडिंग ऑफ आर्मी। देखो याद रखना डिमांड क्या होगी, इंडियन की तरह सोचो तो आपको ऑलरेडी ये समझ आ जाएगा सर। उन्होंने क्या बोला कि इंडियन की रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है, देन आर्मी के अंदर पैसा कम खर्च करो। क्यों, जितना का, क्योंकि वो बहुत सारा इन्वेजन कर रहे थे, अफगानिस्तान बर्मा और भी बहुत सारा इंक्रीज कर रहे थे अपनी कॉलोनीज को। तो उस कंटेक्स्ट के अंदर इन्होंने बोला कि भाई इतना नहीं ठीक है, आप इंडिया का पैसा यूज कर रहे हो। सो दे अपोज्ड, तो ये नेचुरली क्वेश्चन जो सेकंड स्टेटमेंट दे वॉइस टू इंक्रीज इन स्पेंडिंग ऑफ आर्मी, नहीं उन्होंने क्या बोला था, डिक्रीज करो। दे बिलीव इन पोलिटिकल कनेक्शन विद, हाँ अब देखो उनका ये मानना था कि ब्रिटिशर्स आर वर फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिया, राइट। तो उन्होंने ये बोला कि अगर ब्रिटिश के साथ रहेंगे उनकी बात, वो अच्छे हैं, वेस्टर्न एजुकेशन है बहुत बड़ा, दे आर मोर सिविलाइज है ना, तो उसका इंडिया को कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। तो ये उनकी थिंकिंग थी। सो द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। सो आंसर क्या आएगा अभी इसी खुशी में, 1 and 3 ओनली, राइट। तो ये बड़ा सिंपल, देखो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी अक्सर पूछा करती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक समझ, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको लगा के देखना है, अच्छा अगर मॉडरेट है ये क्या ऐसा करेंगे जो बेनिफिट इंडिया को, आपको उनकी आइडियोलॉजी पता चल गई, यू कैन सॉल्व एनी स्टेटमेंट, राइट। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दादा भाई नौरोजी वॉज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सेकेंड इज जी सुब्रमण्य अय्यर वॉज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया। ओके, फर्स्ट 1 only 2 only, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ दी। ओके लेट अस सॉल्व, ये तो पता है आपको दादा भाई नौरोजी, बच्चे बच्चे को पता है नौरोजी वॉज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट देर इज अ प्रॉब्लम विद द सेकंड स्टेटमेंट, जी सुब्रमण्य अय्यर। याद रखना यूपीएससी ने अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन ऐसा डाला था वेलेसलाई को लेके, जिसके अंदर उसने नाम को ही घुमा दिया था, आर्थर वेलेसलाई करके डाल दिया था यूपीएससी ने। यूपीएससी अब नामों से खेलने लगी है, तो एक नाम से मैंने भी खेला है। नो दिस इज अ जी सुब्रमण्य अय्यर, सुब्रमण्य अय्यर इज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया, दिस वन इज करेक्ट, बट नॉट जी, इट वॉज एस सुब्रमण्य। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग,
अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, देखो जी सुब्रमण्यम, द हिंदू एंड स्वदेश मित्रम, दो न्यूज़पेपर थे, दोनों किसने निकाले, जी सुब्रमण्यम, ये याद रखना, यूपीएससी कैन ऑल्सो आस्क यू, यहां से उठा के स्टेटमेंट डाल देगी भी बताओ स्वदेश मित्रम किसने पब्लिश किया, न्यूज़पेपर किसका था, वहां पे दो ऑप्शन है, जी सुब्रमण्यम, एस सुब्रमण्यम, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एस सुब्रमण्यम अय्यर वॉज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया, तो ये सेकंड स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट, राइट। सो एस सुब्रमण्यम को क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया, नॉट जी सुब्रमण्यम। तो जी सुब्रमण्यम इज रिलेटेड टू द हिंदू एंड स्वदेश मित्रम। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वाज द सेकंड इंडियन टू क्वालिफाई द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन द एंड वाज अपॉइंटेड एज पोस्ट इन सिलहत इन हिज होमलैंड। ही ऑल्सो क्रिटिसाइज एंड प्रपोज मेथड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एडवोकेटेड बाय मोहनदास गांधी। ही वॉज, नाम बताओ उसका, फर्स्ट इज फिरोज शाह मेहता, सेकंड इज डब्ल्यू सी बनर्जी, थर्ड वन इज सुभाष चंद्र बोस, फोर्थ वन इज एस एन बनर्जी। याद रखना ये ऐसे क्वेश्चन एक यूपीएससी ने पूछा था अभी रिसेंटली, ठीक है। तो स्टेटमेंट बहुत सारा उसके बारे में बताते हैं, देन उस पर्सनैलिटी का नाम बताओ। ही वॉज द सेकेंड इंडियन टू क्वालिफाई, तो अब सेकेंड इंडियन कौन था, एस एन बैनर्जी। तो एस एन बैनर्जी जब सिलेक्ट हुए उस टाइम के ऊपर तीन और लोग सिलेक्ट हुए सेकेंड बैच के अंदर, तीन और सिलेक्ट हुए थे इंडियन, तीनों के तीनों बंगाली थे, ठीक है, क्योंकि बंगाल के अंदर बहुत ज्यादा एजुकेशन उस टाइम पे चल रही थी। तो एस एन बैनर्जी सिलेक्ट हुए, तो एस एन बैनर्जी सिलहट के अंदर उनकी होमलैंड के अंदर उनको एज ए असिस्टेंट मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया गया। बट प्रॉब्लम क्या है, एंग्लो इंडियन था एक जो मजिस्ट्रेट था उसके केस के अंदर, ये प्रोबेशन पीरियड के ऊपर थे, तो उन्होंने एक छोटा, अब थोड़े से टाइम के अंदर जो एस एन बैनर्जी बहुत ज्यादा फेमस हो गए, तो उसको अब मजिस्ट्रेट को जो उनका सीनियर था उसको लगा यार ये कल बंदा है और इतना फेमस हो गया भाई मेरी क्या औकात है, तो वो थोड़ा सा जेलसी फील और डिफरेंसेस इंक्रीज हो गए। एक केस आया एस एन बैनर्जी के साथ, तो उसके अंदर थोड़ा सा प्रोसीजरल एरर हुआ और उसी टाइम के ऊपर उनको डिसमिस कर दिया गया, तो एस एन बैनर्जी को बाद में डिसमिस कर दिया गया। सो ही वॉज एस एन बैनर्जी, तो सेकेंड था, राइट, ओके, एस एन बैनर्जी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, सेकेंड इंडियन टू क्वालिफाई, है ना, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। द बंगाली न्यूज पेपर वॉज ऑल्सो फाउंडेड बाय एस एन बैनर्जी। बैनर्जी वॉज क्रिटिक ऑफ द प्रपोज मेथड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एडवोकेटेड बाय मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी जी का जो मेथड था सिविल डिसोबीडियंस उसको भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया। ये तीनों स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जब आप पर्सनैलिटी को पढ़ते हो किसी पर्सनैलिटी ने गांधी के अपोजिट या एनसी के अपोजिट कुछ बोला है, दैट पर्सनैलिटी बिकम मोर इंपॉर्टेंट। तो यहां पर यह आपको याद रखना, ओके। फोर्थ, ही स्टार्टेड वर्किंग इन हिज मेंटर विद हिज मेंटर इन द पुणे सार्वजनिक सभा In 1905, he was sent by the Congress on special mission to England to explain the India's constitutional demand among the British leader. He was, तो उसका नाम बताओ, first is Firoz Shah Mehta, second is W.C. Banerjee, Gopal Krishna Gokhale, Mahadev Govind Ranade, चारों में से नाम बताओ, okay, I hope कि आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं डिस्कस करता हूँ। He was working with his mentor in Pune सार्वजनिक सभा, यहाँ पे कौन है, Ranade, Ranade was his mentor. He was sent to Congress on a special mission to England to explain constitutional demand among the British leader. ये तो कुछ general statement है, यहाँ पे आपने याद रखना है कि उनको भेजा गया था। No, this statement is again very important. तो answer क्या आएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, right? महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, गोविंद रानाडे। नो, अब बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। ही मेट हिज मेंटर महादेव रानाडे, रिनोड स्कॉलर, उसके साथ काम किया पूना सार्वजनिक सभा, and later become secretary. He regarded as Mahadev Govinda Ranade as his guru. तो उन्होंने उसको गुरु माना था, है ना, गोखले इन स्टेपलिंग। तो रानाडे ने भी हेल्प की गोखले की, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, देन सार्वजनिक के अंदर काम किया। नो, ये सारे आपको पता है इंपॉर्टेंट है, बट आपको अगर मान लो यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछती है, दो चीजें याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप क्या करते हो कि आपने क्वेश्चन पढ़े, ठीक है, आपने अपने क्लास नोट्स पढ़े या हो गया, तो आपको लगता है यार ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये कहाँ से आ गया, इतने डिफिकल्ट यूपीएससी नहीं पूछती, सिंपल आते हैं, ठीक है, काम कर लेते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, जितने सिंपल क्वेश्चन होंगे वो आपकी सिलेक्शन नहीं करवाएंगे, याद रखना। यूपीएससी के अगर 100 क्वेश्चन है, 40 अराउंड 40 क्वेश्चन सिंपल होंगे जो आपको 80-85 मार्क्स तक ले जाएंगे, ठीक है, बट वहाँ से 105, 105, 110 उसके लिए आपको मीडियम टू हाई लेवल क्वेश्चन चाहिए, और वो एक एक क्वेश्चन आपकी सिलेक्शन डिसाइड करेगा होगी या नहीं होगी।
तो अपने आप से ऐसा नहीं कि आप पीजी में बैठे हो तो दो चार और स्टूडेंट हैं तो आप कंपेयर कर रहे हो भाई इसने ज़्यादा सही किया मैंने गलत। इंडिया लेवल के ऊपर सोचो और आपको मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन सॉल्व ही करने होंगे। अब ये न्यूज़पेपर के अंदर लास्ट ईयर न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल आया हुआ था वहां से मैंने इन्फॉर्मेशन उठाई है इसकी, ठीक है ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग वाज वर इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, यूपीएससी 2015 के अंदर क्वेश्चन आया था। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्य अय्यर, आर सी दत्त, वन ओनली, वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली एंड ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सिंपल है क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, आर सी दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये यूपीएससी ने भी पूछा हुआ है पहले भी, है ना। तो ये सिंपल था क्वेश्चन। द टर्म इकोनॉमिक ड्रेन रेफर्स टू प्रोपोर्शन और पोर्शन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया विच वॉज नॉट अवेलेबल फॉर कंजप्शन फॉर इट्स पीपल बट वॉज बींग ड्रेन्ड अवे टू ब्रिटिश फॉर पोलिटिकल रीजन And India was not getting adequate return. मतलब जो ऐसा पैसा कि भाई इंडिया को नहीं मिल रहा, इंडिया ने जनरेट, ठीक है, इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उसका इंडिया को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा, दैट इज इकोनॉमिक ड्रेन। तो ये थ्योरी, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी किसने दी थी? फर्स्ट ऑप्शन इज दादा भाई नौरोजी, सेकंड इज जी सुब्रमण्य अय्यर, थर्ड इज आर सी दत्त, लास्ट वन इज गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर अभी मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर भी किया, दादा भाई नौरोजी, है ना। तो उन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के अंदर ये इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। आई होप कि आप वहां पे होम चार्जेस को भी पढ़ो और इकोनॉमिक ड्रेन के अंदर क्या क्या आता है वो सारा आप अपने नोट्स के अंदर बिल्कुल टू दी पॉइंट, एक भी पॉइंट आपका ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे अगर क्वेश्चन आया तो गलत करोगे। ओके, सेवंथ, विच अमंग द फॉलोइंग रोट इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, कौन, आर सी दत्त। द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट टू फ्रीडम स्ट्रगल वॉज, कौन सी मॉडरेट की कौन सी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन थी, स्वराज, सेकंड इज ड्रेन थ्योरी, थर्ड वन इज इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म, फोर्थ वन इज सिक्योर डिमांड ऑफ मोर इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट। देखो मॉडरेट ने क्या किया था, प्रेयर, पटिशन वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क सारा काम करते थे, लेकिन एक बात उनके बहुत अच्छी की उन्होंने, उनको इकोनॉमिक ड्रेन के बारे में, तो उनको इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया के बारे में पता चला, जिसके अंदर आर सी दत्त, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्य अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले, तो उन्होंने बहुत सारा उसके अंदर आर्टिकल भी लिखे। दिस वॉज दी वन ऑफ द बिगेस्ट, ठीक है। सो ड्रेन थ्योरी तो एक बंदे से रिलेटेड है, बट इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म इज मोर इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने वहां पे बता दिया था भी इन्होंने हमारे पास, हमारे साथ अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा है, तो एटलीस्ट उन्होंने मासेस को इन्वॉल्व नहीं किया था, दैट वाज नेगेटिव पॉइंट, बट एटलीस्ट उन्होंने बुक्स के अंदर उसके बारे में इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म के बारे में क्रिटिसाइज किया था इकोनॉमिकली, राइट। सो आंसर इज इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर पार्ट वन। पार्ट टू के अंदर मैं एक्सट्रीमिस्ट एंड देन अपना ये स्वदेशी मूवमेंट, ये दोनों को डिस्कस करूंगा। सो आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा, थोड़ा सा मैंने लाइट रखे हैं आज के क्वेश्चन भी, क्योंकि यहाँ से इस टॉपिक से इतने हैवी क्वेश्चन आते नहीं, लाइट ही आते हैं और आपको अच्छी तरह आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।